निकल इन्हें लोगों की फरियाद सुन ये प्लाट लैंड नहीं है ये नौकरियां लैंड नहीं है ये इंसाफ लेना है इन्हें इंसाफ दियोगे तो तुम्हारा इंतजार रहेगा तुसी चाहते हो कि ये पुरवन लोग उठ के तो तुम्हारे हवाला नु आग ला दे और इंतजार मत करो आओ इन पुरवन लोगों को मिलो इन्हें दी तादसी करो इन्हें दी आवाज सुनो ये बच्ची मारिया जो है ये मेरी भतीजी है ये दो बहनें एक अजरा और एक मारिया जो है ना ये भाई इनका पूल पे जा रहा था नहाने के लिए तो जो ये बहनें हैं ये इसके पीछे जा रही थी तो भाई ने इनको पैसे दिए कि भाई आप ऐसे करो कि आप ये चीज़ ले लो मेरे पीछे ना हो तो वो भाई के पीछे चले गए भाई अंदर पूल में दाखिल हुआ नहाने लग पड़ा जो बहनें हैं वो गेट में अंदर रुक गई तो इस दौरान जो मुजरम थे जो जिन्होंने ये ज्यादती की है बच्ची के साथ तीन से चार लोग थे तो ये उन्होंने इशारा किया बच्ची को कि इधर आओ बच्चियां दोनों ही उनके पास चली गई हैं भाई नहाने में मसरूफ़ हो गया तो इस दौरान ये होता कि तीन से चार मिनट गुजरते पाँच कि वो बहन बड़ी जो है ना वहाँ से गायब हो जाती है वो अपनी बहन छोटी को पकड़ता है हाथ से अजरा को और घर ले आता है जब घर आता है माँ को कहता है कि मारिया आई है तो माँ कहती मारिया नहीं आई इस दौरान फिर ये हुआ कि वो वापस जाता है वहाँ तो इसमें से वो गेट बंद हो जाता है जब गेट बंद हो जाता है तो वो दरवाज़ा खड़खड़ाता है सुराख में आवाज़ देता है वो दीवार में सुराख होता है उसमें आवाज़ देता है कि भाई ये मेरी बहन है अंदर दरवाज़ा खोलो मैंने अपनी बहन देखनी है पाँच मिनट बाद वो दरवाज़ा खुलता है तो वो जब बाहर आता है वो अली रज़ा वो बच्चे को थप्पड़ मारता है और वहाँ से भगा देता है कि भाई तुम्हारी बहन नहीं है तो वो भगाने से पहला वो देखता है क्या है कि गेट खुला होता है एक तो वो वॉशरूम के पास उसकी चप्पल पड़ी होती है तो वो देख लेता है कि भाई चप्पल मेरी बहन की पड़ी है वो कहता है कि मेरी बहन अगर गई होती तो चप्पल पहन के गई होती ना वो नहाया तो ना उसने चप्पल उतारी है तो आप साइड पे हो जाओ मैंने अंदर जाना है अपनी बहन को देखना है वो वहाँ से भगा देता है इस दौरान वो घर आ जाता है मोहल्ले में पूछता है दो से ढाई घंटे गुजरते हैं पुलिस घर पर आ जाती है मरियों की मरी का फ़ोटो उतार के ले जाती है पुलिस डायरेक्ट ही आ जाती है हमारे घर वो कहती है कि भाई ये बच्ची किसकी है भतीजा मेरा कहता है बड़ा कि ये मेरी बहन है तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि बच्ची ढाई से दो घंटे हो गए हैं कि वो मर चुकी है पोल में डूब के जब वो आता है उधर देखता है तो बहन पोल में से बाहर होती है मरी होती है पोल से बाहर निकाल लेते हैं उसको उसके फेस पर निशान होते हैं उसके जिस्म पे निशान होते हैं उसके गर्दन तोड़ देते हैं उसके पाँव तोड़ देते हैं टांग तो उसके साथ ज्यास्ती करते हैं तीन से चार लोग तो ये डूब के मरी है इसके साथ ज्यास्ती नहीं हुई पुलिस के मुंह से ये अल्फाज निकल जाते हैं उस टाइम तो मोहम्मद एजेंसी से और एक्स्ट्रा फाटा से या ट्राइबल एरिया से हैं यहाँ पर ये गरीब लोग होते हैं कारोबार करने आ जाते हैं जो दिहाड़ी होता है इस पर काम करता है यहाँ आए हुए थे तो इनके साथ जब मसला पैदा हुआ इसने पुलिस को अप्रोच किया कि इसकी FIR कटवा दे पहले तो FIR भी नहीं कटवा रहे थे बाद में जब उस पर प्रेशर बना तो FIR कटवा दिया उसने ये मेन स्ट्रीम एरिया है मतलब रेड जोन है पंजाब का पूरे पंजाब का शुमार किया जाता है सभी सामने हैं पर यहाँ पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं दे रहा ऐसा कवरेज क्यों नहीं दिया गया मीडिया वाले जिस तरह यहाँ पर पंजाब में या कसूर में एक बच्ची जैनब को कवरेज दिया गया था इट मीन्स कि यहाँ पर डोमिसाइल का भी मसला है कि अगर आप पश्तून हैं तो आपको आपका मरना भी जायज है जो पुलिस का रवैया था वो रवैया बहुत ही नामुनासिब था तो हम पुलिस के साथ रबते में थे पहले ये टाइम फ्रेम नहीं दे रहे थे DNA का हमें ये मतलब परसों तक ये हमें एक महीने का टाइम भी नहीं दे रहे थे आज हमने अगर यहाँ से उठे हैं तो छः दिन का इन्होंने हमसे वादा किया कि छः दिन में ये DNA कराएंगे ये इनका काम है ये कराएंगे और ये हमें बताएंगे कौन हमारा मुल्ज़िम है और कौन नहीं है पुलिस ने उसकी FIR दर्ज किया वो सिर्फ जस्ट 302 यानी कि मर्डर की हद तक पुलिस की इसमें मैलाफाइड इंटेंशन है पुलिस ने अपनी तफ्तीश कंप्लीट नहीं की है पुलिस को चाहिए था कि उसका कम्प्लीटली जो मेडिकल करवाते हैं जब एक बंदे का मर्डर हो गया तो
तो उसको मेडिकल करवाते, मेडिकल करवा के जो उसके साथ गैंग रेप हुआ है 376 की सेक्शन उसके साथ ऐड होनी चाहिए थी, फिर उससे पहले वो अगवा भी हुई है, अगवा की सेक्शन भी ऐड होनी चाहिए थी, मगर इसमें जस्ट पुलिस की मैलाफाइडी इंटेंशन के तहत FIR दर्ज हुई है 302 के तहत। किसी चीज़ का दबाव पुलिस पे नहीं डाल रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये जरूर चाह रहे हैं कि ये कार्रवाई को जरा जल्दी करें ताकि हमें पता चले हमारा मुल्जिम कौन है।